कोई अगर हवा में मुंह के बल कुत्ता हो तो टांगों पर लैंड कैसे करेगा और पेट में हथौड़ा खाकर जिंदा कैसे बचेगा, और इतना ही नहीं तो बंदूक होते हुए चाकू से क्यों लड़ेगा। ये हरकतें सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें फिल्म बनाने नहीं आती, सिर्फ बनाने आता है लोगों को चूतिया। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहां पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट, बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं बात करने वाला हूँ 15 जुलाई 2021 में नेटफ्लिक्स पे आया हुआ गन पाउडर मिल्कशेक फिल्म के बारे में। एक नंबर छूता फिल्म मेरे बाबा, माइक आएगा, बिल्कुल भी अपना टाइम मत बर्बाद करो, इस फिल्म को जाकर मत देखो। सबसे पहले तो इतना गांडू टाइटल है ना, किस फजर ने दिया है ना मेरे को, आप भी बताओ। मतलब इस फिल्म में इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है, ना ही गन पाउडर है और ना ही मिल्कशेक है। एक बार मिल्क शेक दिखाने के बाद वो पूरे फिल्म का टाइटल नहीं रख सकते। और ये फिल्म मुझे है ना बस जॉन विक का सस्ता फीमेल वर्जन कॉपी फिल्म है ये, मतलब इतना वेस्ट और स्टोरी लेस। इस फिल्म में कुछ लोगों का टीम है जो अपने आप को फर्म कहते हैं, जो लोग बेसिकली इलीगल धंधा करते हैं। एक दिन उनके एक शूटर को किसी को टपकाने का सुपारी दिया जाता है, तो जिसका सुपारी लिया रहता है उसको टपकाते वक्त एक दिन उसी के फर्म के एक मेंबर के एक लौते एक लड़के को टपका डाला, जो कई सारे लड़कियों के बाद पैदा हुआ था, तो अपने बाप का बहुत बड़ा लड़का था। अभी उसका क्रोधित बाप इस शूटर के पीछे लगा। जो शूटर थी वो लड़की है, उसकी माँ भी शूटर थी, और ये फिल्म सारी शूटर ही लड़कियों का है, और ये औरतों का फिल्म है। इस फिल्म का जो फॉर्म है उसका कुछ फॉर्म ही नहीं होता, और ये फिल्म फॉर्मली बनाया नहीं गया है। मतलब ऐसे समझ लो, कुछ बोल बच्चन और कुछ ठीक ठाक एक्शन सीक्वेंस अगर आपने जॉन विक देखा है तो ठीक ऐसा ही कुछ। और ये फिल्म 1980 जैसा लगता है, एकदम पुराने स्टाइल का, जहाँ पे फ्लैप फोन्स यूज किया करते थे। मुझे पर्सनली ये फिल्म काफी बोर हुआ, मुझे बिल्कुल भी फिल्म पसंद नहीं आया। इस फिल्म के अंदर आपको ढेर सारी लड़कियां देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि कैरन गिलेन, लीना हेडी, कार्ला गिनो, मिशेल यो, एंजेला बैसेट, अपने ब्लैक पैंथर की अम्मा, ऐसे एक्ट्रेसेस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये पूरा फिल्म एक 5 फुट 10 इंच कैरन गिलन के ऊपर ही निर्भर है। यारत कौन है अगर नहीं जानते, तो अगर इस नेबुला को जानते हो तो बस यही है वो। इस फिल्म में हमें दो मेन विलन देखने के लिए मिलते हैं, जिसका लड़का मारा गया और जो कैरन के पीछे लगा है, राल्फ इंसन, जिसने हैरी पॉटर्स, गेम ऑफ थ्रोन्स एंड गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस जैसे फिल्म में भी काम किया है, और पॉल गिमाटी, ये भी एक वेटरन एक्टर है जिसे मैंने बहुत टाइम के बाद देखा, और इसने भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। लिस्ट निकालने के लिए जाऊंगा तो बहुत बड़ा लिस्ट निकल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही फेमिलियर फेस है। लेकिन इस फिल्म में इन दोनों विलन का रोल बहुत ही छोटा है। पूरा फिल्म अगर निर्भर है तो सिर्फ और सिर्फ नेबुला के ऊपर, मतलब वो ठीक वैसे ही एक्शन करती है और शक्ल भी वैसे ही बनाती है। तो अगर ओवरऑल देखने के लिए जाओगे इस फिल्म के अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ बोल बच्चन और सिर्फ थोड़ा बहुत एक्शन, वो भी लड़कों का एक्शन आप लोगों के फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लड़कियों को ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगा, इसका तो गारंटी है ही। और अगर कोई भी लड़की किसी भी प्रकार का डिप्रेशन के थ्रू जा रही है और अगर ये फिल्म देख लिया उसने, तो पक्का मोहल्ले में एक शार्प शूटर बन जाएगी। तो एक गर्ल पावर फिल्म है जिसमें साजिक लॉजिक नहीं, बस कोरियोग्राफ्ड और ओवर अनप्लान्ड एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जहां पे जो औरतें गन बेचती हो वो खुद अपने माल के ऊपर भरोसा नहीं रखती और चेन और हथौड़ों से लड़ाई करती है और सीधे सीधे होने वाले काम को आड़े तेड़े हरकतों से खत्म करते हैं। मतलब लड़कियों को कौन समझ पाया भाई। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छा है और इसका क्लाइमेक्स जो शॉट हुआ है वो स्लो मोशन में दिखाया गया है, तो काफी अच्छे सारे सीन्स है। लेकिन ये सारे सीन मुझे नहीं लुभाते, क्योंकि ये सारे सीन हम देख चुके और देखते आ रहे हैं। और म्यूजिक फर्ज मैन, मतलब इतना पथेटिक, इररिलेवेंट, इलॉजिकल, इरेशनल और अनवांटेड। जहां पे चाहिए वहां पे नहीं, लेकिन जहां पे नहीं चाहिए वहां पे इतना लाउड अपने कान फाड़ देगा और दिमाग का दही कर देगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो चार्लीज एंजल्स भी फिल्म इससे कई गुना बेटर था। और यहाँ पे किताबों को गन का केस बनाया हुआ है, मतलब गन सादा सुधा लेकिन चूतिया बनाने के लिए नाम बड़े बड़े। तो रेटिंग की बात करो तो ये एक तो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन है नेटफ्लिक्स का, और वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि जॉन विक के जैसा ही फिल्म है, तो आपको समझ आना चाहिए कि एक ऐसा फिल्म होगा। लेकिन तो भी जिन्होंने जॉन विक नहीं देखा उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू MPAA से रेट क्या है, आर मतलब सिर्फ और सिर्फ अडल्ट के लिए ही, नो बच्चा पार्टी अलाउड फॉर दिस फिल्म, और ना ही बच्चा पार्टी विद एडल्ट्स और ना ही एडल्ट्स विद अडल्ट्स, मतलब साथ में बैठ के फैमिली भी कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि सबको ये फिल्म पसंद नहीं आएगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कोई अंधे या फिर विजुअली इम्पेयर फ्रेंडली फिल्म है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको इंग्लिश ऑडियो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन एक अंधे भी क्या देख पाएंगे इस फिल्म को, जबकि इस फिल्म के अंदर देखने लायक सिर्फ एक्शन ही है, बाकी और
कुछ नहीं है, डायलॉग सिर्फ सुनोगे ना ये फिल्म समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको एक बोरिंग और सुला देने वाला, ठीक जो मेरे साथ हुआ वैसा ही, अगर कोई 1 घंटे 54 मिनट का सिर्फ देखना है तो ये फिल्म देख सकते हो, या फिर अगर आपके घर में कोई पार्टी चल रहा है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और कम्युनिकेशन बैरियर और बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हो कि कुछ टेलीविजन के ऊपर कुछ ना कुछ लगाएं और तभी आप नेटफ्लिक्स ऑन करके अगर ये चालू करोगे ना तो बेटर होगा। मतलब कम से कम जब बीच बीच में एक्शन सीक्वेंस आएंगे और अगर कोई भी कम्युनिकेशन चल रहा है जहाँ पे आप बोर हो रहे हो तो कम से कम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके वो एक्शन सीक्वेंस देख कर फिर बाद में कम्युनिकेशन को तोड़ के दूसरे टॉपिक पे भी जंप कर सकते हो। ऐसा ही कुछ अगर आपको फिल्म देखना है तो फिल्म देख सकते हो। इसका मतलब यही समझ लो इस फिल्म के अंदर स्टोरी कुछ नहीं है, जो स्टोरी मैंने आपको पहले बताया वैसा ही स्टोरी है, सिर्फ एक्शन है और बेवजह का इमोशनल डायलॉग्स और अनवांटेड इमोशनल अटैचमेंट और इतना पथेटिक एक्टिंग सब लोगों का। मतलब ब्लैक पैंथर की जो अम्मा है ना, ये कब हंसती और कब रोती है ये समझ नहीं आता, उसका शक्ल एक जैसा ही होता है। बाकी जो सारे कैरेक्टर्स है वो ओके है, इतना कुछ ओवरवेलमिंग बिल्कुल भी नहीं नजर आता। ओके इस फिल्म में बहुत बोरिंग है, मुझे पर्सनली बोर हुआ। लड़कियों का फिल्म है इसलिए नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा चार्लीज एंजल्स फिल्म इससे कहीं गुना बेटर था क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छा स्टोरी फॉर्मेशन था। ये फिल्म टोटल पुअर है और इसके अंदर नेबुला ही है, ऐसा ही अपने को पता चलता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आपने अगर ये फिल्म देखा है या देखने के लिए जाने वाले हो तो सोच समझ कर जाओ, या फिर मैं कहूंगा ऐसे फिल्म से दूरी रखो। लेकिन अगर आपने देख लिया, अगर उसके बारे में कुछ बताना हो या फिर मेरे ब्लॉग के बारे में कुछ बताना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे फिल्म ना देखना हो, ऊपर आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे कई सारे लिंक्स आएंगे, आप वहां पे भी जाकर मेरे दूसरे फिल्म के रिव्यू जो मैंने किए हैं वो देख सकते हो, कई सारे अच्छे फिल्म है वो जाकर देखो। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। ऐसे सड़ो फिल्म के लिए मैं आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं कराऊंगा, इसे मैंने जानबूझ के ये व्लॉग को कंप्रेस और छोटा रखा हुआ है। अगर आपको मेरा चैनल या व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है वैसा उसका घंटा और ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर वीडियोस देखने वाले में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नोवन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो, वहां पे भी फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगर आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन ऑन किया है तो। नहीं तो टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाबा को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।